प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी फसलें, जो एग्रोनॉमी की सबसे प्रमुख पार्ट है, फसलें क्रॉप्स, उनको हम पूरी कर चुके हैं। और एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर का पार्ट कह सकते हो इसको, मेडिसिनल प्लांट। इस मेडिसिनल प्लांट में कुछ प्लांट्स तो हॉर्टिकल्चर के हो सकते हैं और ये थोड़ा सा एग्रोनॉमिकल नेचर के भी है, तो इनको मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पादप, औषधीय फसलें भी हमारे सिलेबस में हैं। औषधीय फसलों में इनको एरोमेटिक प्लांट भी कह सकते हैं। एरोमेटिक प्लांट यानी जिनमें से एरोमा निकलता है, खुशबू वाले, कई प्रकार के इनके मेडिसिनल यूज होते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ इनकी बनाई जाती है, तो और कई प्रकार के तेल, सौंदर्य प्रसाधनों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम मेडिसिनल प्लांट की बात करेंगे। और मेडिसिनल प्लांट में सबसे पिछली परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं के पेपर, अब तक जितनी परीक्षाओं में मैंने देखा है, एक तो इसमें क्या होता है, इसका नाम, बोटनिकल नेम आपको याद होना चाहिए, इसकी फैमिली याद होनी चाहिए, कौन से कुल से बिलोंग करता है, एक इसका उपयोगी भाग, मतलब जैसे कोई पौधा है तो उसका उपयोगी भाग क्या है, जड़ें हैं या उसका बीज है या उसके पत्ते हैं, कौन सा भाग उपयोगी है जो मेडिसिन बनाने के काम में आता है, ये इसका पूछा जाता है। या फिर इनका प्रसारण किस प्रकार से होता है, यानी बीज से प्रसारण होता है या इसकी शाखाओं से, कलमों से प्रसारण करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं या बीजों से बोया जाता है, इस प्रकार की चीज़ें अमूमन मेडिसिनल प्लांट पे पूछी जाती है। और इन्हीं को लेकर अपन आज एक एक करके चर्चा करेंगे, औषधीय फसलें। और औषधीय फसलों में सबसे पहले हम लेते हैं, देखो, सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली सामान्य भाषा में नाम ही सफ़ेद मूसली है। देखिए आप, इसका सूखने के बाद जो जड़ें होती है, इस प्रकार की मूसली होती है सफ़ेद मूसली। और इसका बाजार में पाउडर भी मिलता है और जड़ों के रूप, जड़ का पार्ट है एक्चुअली में, ये जड़ों को सुखाकर इस प्रकार से तैयार हो गई है सफ़ेद मूसली के नाम से, क्योंकि सफ़ेद मूसली का जो पौधा है, इस प्रकार के इसके पत्ते और संरचना होती है, और ये जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें उपयोगी भाग है। सफ़ेद मूसली की जड़ें ही काम आती है, दवाई के काम आती है। और मुख्य रूप से सफ़ेद मूसली का जो उपयोग है वो शक्तिवर्धक, बलवर्धक दवाएं बनाने में काम आता है। तो सबसे पहले हमारी सफ़ेद मूसली है, और इसका बोटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, फैमिली इसकी है लिलिएसी। लिलिएसी प्लांट से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका प्रसारण जो है वो गूदेदार जड़ों से ही होता है। इसका उपयोगी भाग भी जड़ें हैं और इसका प्रसारण भी जड़ों से ही होता है। जैसे आपको अभी फसल उग रही है और अगली और कहीं फसल उगानी है अगली बार, तो उसकी जड़ें ही काम में लेंगे। इनकी गीली जड़ों को जाकर रोप देते हैं, उससे पौध तैयार करके इसका प्रसारण किया जाता है। तो प्रसारण के लिए 400 से 600 किलो गीली जड़ें, प्रसारण के लिए इसकी 400 से 600 किलो कौन सी जड़ें, गीली जड़ें, गीली जो जड़ें उखाड़ी, उनको बीज के रूप में काम में लिया जाता है। और 80 से 90 दिन में इसकी फसल 80 से 90 दिन में पककर तैयार होती है। इसका उपयोगी भाग वही गूदेदार जड़ें हैं, वही इनको सुखाकर दवाइयां बनाने के काम लिया जाता है। प्रमुख उपयोग उसका शक्तिवर्धक और बलवर्धक दवाई बनाने में काम में लिया जाता है। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल सूखी जड़ें इसकी उपज है प्रति हेक्टर मिल जाती है। अच्छी खासी इनकम हो जाती है। ये 250 रुपये किलो तक बिकती है ये जड़ें, 250-300 रुपये किलो तक ये जड़ें बिक जाती है। और इस प्रकार से ये हमारा सफ़ेद मूसली है, और सफ़ेद मूसली का प्लांट जो पौधा है वो इस प्रकार का दिखता है। ये पौधा है इसकी, ये जड़ें हैं, और जड़ें सुखाने के बाद इस प्रकार से उपयोगी है, जो बाज़ार में बेची जा सकती है, सूखी जड़ें, सफ़ेद मूसली की जड़ें। और इसको क्लोरोफाइटम विलियन बोरीविलियनम इसका बोटनिकल नाम है। उपयोगी भाग इसकी जड़ें हैं, बात कर चुके हैं अपन, और इसका प्रसारण भी जड़ों से ही होता है। और इसका कुल जो है वो लिलिएसी है, फैमिली इसकी लिलिएसी है। इसी प्रकार से एक एक करके अपन मेडिसिनल प्लांट लेंगे। तो अगला प्लांट हमने लिया सर्पगंधा। सर्पगंधा का बोटनिकल नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना।
क्या नाम इसका, राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा, ये सर्पगंधा की जड़ें हैं, तो इस प्रकार से आती है। और सर्पगंधा की भी जड़ें ही उपयोगी भाग होता है, सर्पगंधा की भी जड़ें ही उपयोगी भाग होती है। और इस प्रकार का ही इसका ये पौधा, इसके फल और बीज बनते हैं, वो इस प्रकार से इसका पौधा है और जड़ें इसका उपयोगी भाग है। और जो है सर्पगंधा के बारे में और देखते हैं अपन, इसका फैमिली एपोसाइनेसी है। कौन सी फैमिली इसकी, एपोसाइनेसी है। और इसकी उपयोगी भाग जड़ें हैं, बात की है अपन ने भी। और इसका जो इसमें एक प्रमुख तत्व एल्केलोइड पाया जाता है रिसर्पिन नाम का, इसके नाम में भी लिखा हुआ है देखो, राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना रिसर्पिन, रिसर्पिन नाम का एल्केलोइड इससे प्राप्त होता है। और यह है हाई ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग जो है, इसका रिसर्पिन का या सर्पगंधा का जो दवाइयां बनाने में काम आता है। किस किस प्रकार की दवाई बनाई जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की रोकने की दवाइयां, अनिद्रा, नींद नहीं आने की समस्या में इसकी दवाई काम में ली जाती है, और उन्माद या उच्च आवेग आना, बड़े बड़े विचार, गलत सलत विचार आना, इस प्रकार की चीज़ों के लिए यह दिमाग को शांत करने वाली दवा है। यह जो है एपोसाइनेसी फैमिली की है, सर्पगंधा इसका नाम है। और प्रसारण इसका बीजों से किया जाता है मुख्य रूप से, इसका प्रवर्धन या प्रसारण एक ही बात है, प्रवर्धन कहें, प्रसारण कहें, प्रोपागेशन कहें, हैं, तो इसका बीजों से किया जाता है। और तने और जड़ की कलमें भी काम में ली जा सकती है, उससे भी प्रवर्धन हो सकता है, पर प्रमुख रूप से बीज से ही इसका प्रवर्धन किया जाता है। और 4 से 5 क्विंटल इसकी सूखी जड़ें इसको उपज मिल जाती है, प्रति हेक्टर 4 से 5 क्विंटल सूखी जड़ें मिल जाती है। ये जो जड़ें हैं गीली जड़ें हैं ये, और ये 4 से 5 क्विंटल सूखी जड़ें उपज में मिल जाती सर्पगंधा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी, रिसर्पिन नामक एल्केलोइड पाया जाता है, जड़ें इसकी उपयोगी भाग है, ये हाई ब्लड प्रेशर अनिद्रा उन्माद में उपयोगी है, इसकी दवाइयाँ बनाई जाती है। और इसका प्रसारण बीज से करते हैं, हालांकि इसकी कलमें, जड़ की कलम या तने की कलम से भी प्रसारण किया जा सकता है। और उपज 4 से 5 क्विंटल है सर्पगंधा की। इसी प्रकार से हम एक जाना पहचाना पौधा ग्वार पाठे की बात करते हैं। इस प्रकार का होता है, ग्वार पाठा देखा होगा आपने, इसकी पत्तियां काम आती है। ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में जो गूदा होता है, ये मोटी मोटी पत्तियां होती है, इनमें जो गूदा होता है, उस गूदे को ही कई प्रकार की क्रीम और कई प्रकार की चेहरे पर लगाने वाली दवाइयाँ और कई प्रकार के पेट में भी कई उपयोगी है, इस प्रकार की पेट की बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है ग्वार पाठे का। इसका गूदा निकालकर इसको संरक्षित किया जाता है, क्योंकि इसको पत्तियों को पेड़ से तोड़ने के बाद ज़्यादा समय तक रख नहीं सकते हैं, तो इसका गूदे को निकालकर संरक्षित किया जाता है। और जानकारी ग्वार पाठा की लेते हैं हम, इसका बोटनिकल नेम अलोई वेरा है। क्या है, अलोई वेरा है। हालांकि राजस्थान में इसकी जो जाति है अलोई बारबेंडिस को उगाया जाता है, आएगा कहीं पे आगे, ये देखो अलोई बारबेंडिस राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, अलोई बारबेंडिस। ये जेंथोरेसी कुल, इसको लिलियसी भी कहते हैं, इस कुल का प्लांट है। और आपने देखा इसका उपयोगी भाग पत्तियां हैं, मोटी गूदेदार पत्तियां इसकी उपयोगी भाग है। इसमें एक उपयोगी तत्व, इसकी पत्तियों की जो गूदा निकलता है उसमें एक इम्पोर्टेंट तत्व एलोइन नाम का तत्व पाया जाता है। और इसका प्रसारण भी पत्तियों से ही किया जाता है, प्रोपागेशन, प्रवर्धन या प्रसारण भी कहाँ से करते हैं, पत्तियों को काट काट के रोप देते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है। राजस्थान के लिए उपयुक्त बारबेंडिस जाति उगाई जाती है। इसके ताजे कटे हुए पत्तों को भंडारित नहीं किया जा सकता, ये जल्दी खराब हो जाएगी, इसीलिए कटाई के बाद 60 से 70 घंटों के अंदर ही इसकी जेल को निकाल लेना चाहिए। और जेल में प्रिजर्वेटिव डालकर, परिरक्षक डालकर इसको 1 साल से 2 साल तक संरक्षित रखा जा सकता है, इसके गूदे को, हैं, परिरक्षक डालकर इसके गूदे को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ये हमने बात करी ग्वार पाठे की। इस प्रकार की पत्तियां होती है, इस पत्तियों में गूदा होता है, गूदे को निकाल कर और जो है संरक्षित करके 1-2 साल तक संरक्षित किया जा सकता है। और इसका विभिन्न उपयोग है, कई तरह की क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन में इसकी गूदे को प्रयोग में लिया जाता है।
ये था अलोई वेरा, राजस्थान का अलोई बारबेंडिस है, हैं? अब बात करेंगे हम सनाई की। सनाई के पत्ते, सनाई के पत्ते सबसे प्रमुख है, इसको अंग्रेजी में सेना भी कहते हैं, सोनामुखी भी हिंदी में कहते हैं, सनाई कहो सोनामुखी कहो चाहे अंग्रेजी में सेना कहो, और इसका नाम है केसिया ओंगटीफोलिया। क्या नाम है? केसिया ओंगटीफोलिया इसका नाम है, और इसके पत्ते उपयोगी भाग है। ये पत्ते जो है यही सुखाकर इसका चूर्ण बनाया जाता है। जितने भी बाजार में पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं, कायम चूर्ण हैं, या वो आता है वो जो एक एडवर्टाइजमेंट आता है, रोग दफा हर रोज दफा, है हर रोज दफा पेट सफा हर रोग दफा, वो भी इसी के पाउडर। सारे जो पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं उनमें 90% सनाई के पत्ते होते हैं। इन सनाई के पत्तों से ही सारे पेट साफ करने वाले चूर्ण बनाए जाते हैं, और इन पत्तों को सुखाकर पीसकर पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। इसका बोटनिकल नेम है केसिया ओंगस्टीफोलिया। केसिया ओंगस्टीफोलिया फैमिली इसकी है लेग्यूमिनेसी, ये इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे। फेबेसी या पुराना नाम फेबेसी, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। पत्तियाँ इसकी उपयोगी भाग है, बताया मैंने आपको, जो दस्तावर का काम करती है। इसमें एक एल्केलोइड पाया जाता है, क्या नाम उसका? सेनोसाइड। क्या नाम है? सेनोसाइड नाम का एल्केलोइड पाया जाता है, जो पत्तियों में 2.5 से 4% तक होता है। पत्तियों में सेनोसोइड नाम का एल्कोलोइड कितना होता है? 2.5 से 4% तक सेनोसोइड पाया जाता है। सनाई का प्रसारण बीज से करते हैं, कहाँ से करते हैं? बीज से करते हैं, और 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है एक हेक्टेयर में रोपण पौध तैयार करने के लिए। इसकी कटाई क्या होता है, एक बार पौध लगाने के बाद ये 5 साल तक इससे उत्पाद मिलता रहता है। 5 साल तक, जैसे अपन ने कभी देखा हो मेहंदी का जो पौधा होता है उसकी कटिंग करते रहते हैं, पत्ते तोड़ते रहते हैं, हर साल फूटता रहता है और पत्तियां उसके उपयोगी भाग होते हैं। वैसे ही सनाई में भी पत्तियों में जो है, हर पत्तियों में सेनोसोइड होता है जो 80-90 दिन में तैयार हो जाता है। सबसे पहली जो कटाई करेंगे पौध रोपण के, 80 से 90 दिन बाद इसमें जो पत्ते होते हैं उनमें सेनोसोइड बन जाता है, मतलब जो सेनोसोइड की मात्रा जो बन जाती है। और उसके बाद एक बार पहली तुड़ाई तो कर ली अपन ने 80-90 दिन बाद, उसके बाद हर 2 महीने बाद, हर 60 दिन बाद पत्तों को तोड़ते रहते हैं, है? हर 2 महीने बाद इसमें से पत्तों को तोड़ लेते हैं, और पूरे साल में करीब 4 कटिंग कर सकते हैं। कितनी कितनी हो जाती है? 4 बार फसल ले जाती है, और एक बार इस फसल को बोने के बाद 5 वर्ष तक इस फसल से हर साल 4 बार कटिंग कर पत्ते प्राप्त करते रहते हैं, और उन पत्तों को दवाइयों के रूप में काम में लेते रहते हैं। प्रति हेक्टर 10 क्विंटल प्रतिवर्ष इसकी पत्ते की उपज, पत्ते जो उपज है, मूल उपज पत्ते हैं वो मिल जाते हैं। 10 क्विंटल प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष सनाई के सूखे पत्तों की उपज मिल जाती है। ये है भैया सनाई या सोनामुखी, इसकी जो पत्ते होते हैं उसके बारे में बताया है आपको मैंने, इस प्रकार की इसकी फसल होती है और ये पत्ते इसके उपयोगी भाग है। 5 साल तक इसको उगाकर उपज ली जा सकती है। इसके पत्तों को तोड़ तोड़ कर पहली फसल तो करीब 3 महीने बाद लेते हैं, 80 से 90 दिन बाद लेते हैं, परंतु उसके बाद हर 2 महीने बाद इसकी पत्तों को तोड़ तोड़ कर और इन पत्तों का उपयोग कर लिया जाता है सुखाकर पाउडर बनाने के और दवाई के रूप में प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद अगला जो मेडिसिनल प्लांट है वो है जोजोबा। देखो इसको जोजोबा भी कहते हैं, होहोबा भी कहते हैं, एक्चुअल में इसका उच्चारण होहोबा होता है, नाम तो जोजोबा ही है इसका, और इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है साइमोंडेसिया साइनेंसिस। क्या नाम है? साइमोंडेसिया साइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है, और ये बहुत रेतीली मिट्टी में उगने वाला पौधा है, शुष्क मौसम में उगने वाला पौधा है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में इसको आसानी से उगाया जा सकता है, और इस प्रकार की इसकी देखो बड़े बड़े ट्री होकर प्लांट बन जाते हैं, और इससे जो इसके बीजों से निकलने वाला तेल इसका उपयोगी भाग होता है। इसके बीजों से जो तेल निकलेगा ना वो इसका उपयोगी भाग होता है, और इसका तेल विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों में, विभिन्न प्रकार की दवाइयों में, त्वचा से संबंधित
उपयोग में आने वाली दवाइयों में जो जोबा के तेल को उपयोग किया जाता है। इसको बंजर भूमि में उगाकर बंजर भूमियों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है, जिस भूमि में खेती नहीं हो रही होती है, पश्चिमी राजस्थान शुष्क स्थानों में, रेतीली भूमि में, उन क्षेत्रों में जोजोबा को उगाया जा सकता है। और इसका तेल जो है बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होता है। इसका प्रसारण बीजों से करते हैं। कैसे करते हैं इसका प्रसारण? बीजों से करते हैं। इस प्रकार के फ्रूट्स आते हैं ना, जब इसके इन फ्रूट से बीज बनता है और इन बीजों से तेल निकाला जाता है, और वो तेल जो है उपयोगी होता है विभिन्न प्रकार की त्वचा से होने वाली बीमारियों में और सौंदर्य प्रसाधनों में काम आता है इसका तेल है। तो ये था जोजोबा या होहोबा, जिसके दोनों एक ही बात है, जोजोबा कहें चाहे होहोबा कहें। और इसके बाद एक अपन बायोडीजल प्लांट, इंपोर्टेंट प्लांट आ गया भैया, बायोडीजल प्लांट, जैविक डीजल, ऐसा डीजल जो प्लांट से मिलता है। मतलब इस रतन जोत, जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बायोडीजल प्लांट कहते हैं, रतन जोत के बीजों से जो तेल निकलता है वो डीजल के रूप में, पेट्रोल में, डीजल में मिलाकर ईंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। क्या नाम इसका? रतन जोत, बायो डीजल प्लांट कहते हैं। इसका बोटनिकल नाम है जेट्रोफा कर्कस। क्या नाम है? जेट्रोफा कर्कस इसका बोटनिकल नाम है। रतन जोत है ये, और इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। क्या इसकी फैमिली का नाम? यूफोरबिएसी है। इसकी जो एक्चुअल में ये भी ट्री है, प्लांट ट्री है ये, और ये भी ऐसे भूमियाँ जिन पर खेती नहीं की जाती है, बंजर पड़ी है, रेतीली है, उनमें इसको उगाया जा सकता है। और ये 35 से 50 वर्ष तक इसकी उम्र है। 4-5 साल में ही इसका पौधा जो है बीज से देने लग जाता है, मतलब उपज आने लग जाती है। और उसके बाद 35 से 50 वर्ष तक इससे बीज तोड़ तोड़ कर इनका तेल निकाल कर, और तंजोत का तेल को विभिन्न उपयोग, मेडिसिनल यूज भी होता है इसका, बायोडीजल के अलावा इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। और 4 किलो जब प्रसारण करेंगे तो 4 किलो प्रति हेक्टर की दर से बीज दर लेके इसकी पौध बनाकर रोपण करके और इसका प्रसारण किया जाता है। इसका उपयोगी भाग बीज है। उपयोगी भाग कौन सा है? बीज है, क्योंकि उसके तेल निकाला जाएगा, तो उपयोगी भाग क्या है? बीज है इसका। और इसकी जो डीजल, इसका तेल का उपयोग है बायोडीजल में काम में आता है, दाद खाद खुजली में, और लकवा सौंदर्य प्रसाधनों, साबुन रंगाई बनाई, इन सब में इसका तेल को उपयोग किया जाता है। दवाइयों में क्या क्या हो गया? दाद खुजली गठिया में तो दवाई काम आ गया, लकवा में काम आ गया, सौंदर्य प्रसाधनों में, साबुन बनाने में, रंगाई में भी काम आता है। इतने सारे उपयोग है रतन जोत के तेल के। बीज में इसके जो बीज होते हैं रतन जोत के, उसमें 30-40% तेल पाया जाता है। और 5 वर्ष की आयु जो उपज देना चालू करती है, 3-4 साल में उपज देना चालू कर देती है, 5 साल की उम्र का पौधा 10-20 क्विंटल बीज प्रति हेक्टर दे देता है। 10-20 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज मिल जाती है। ये इस प्रकार का होता है रतन जोत का प्लांट, बायोडीजल का प्लांट, जेट्रोफा कर्कस का प्लांट। ये इस प्रकार का प्लांट होता है। ये इसके फल है, इनमें से बीज निकलते हैं और इससे तेल निकाल कर बायोडीजल निकाला जाता है। अब करेंगे हम भैया जैतून की खेती की बात करेंगे। जैतून की खेती, जैतून की जो फसल हमारे राजस्थान में वर्तमान में उगाई जा रही है, हमारे इजराइल से इसकी पौध लाकर हमारे राजस्थान में एक वो बनाया है, ROCL, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड। क्या नाम है? राजस्थान ओलिव, ओलिव क्या है? जैतून है। ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, राजस्थान ओलिव, ओलिव की खेती करेंगे, ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड नाम की एक संस्था का, इसके लिए जैतून की खेती करने के लिए एक ROCL नाम की संस्था बनाई गई है, जिस जो वर्तमान में अपने ये जो बस्सी में है, बस्सी में एक फार्म है अपना, राजस्थान सरकार का फार्म है बस्सी में, वहाँ पर इसका प्लांटेशन किया हुआ है। इसके फ्रूटिंग बीज और फल आने लग गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ये इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर
इस पर अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है और इसका उत्पादन भी किया जा रहा है। अब तो इसके इससे निकलने वाले बीजों से तेल निकालने के लिए लून करणसर बीकानेर में एक प्लांट भी लगा दिया है, रिफाइनरी लगा दी है, इससे तेल निकालने की व्यवस्था भी चालू हो गई है और ये आरओसीएल इसका तेल निकाल कर बेच भी रहा है वर्तमान में, वर्तमान में उत्पादन भी चालू हो गया है। तो ये हमारे यहाँ पर कहाँ से आए, लाए अपन ये इसकी खेती का तरीका, इजराइल से लाए। कौन सी खेती का? जैतून की खेती का। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ओलिव कहते हैं। इसका बोटनिकल नाम क्या है? ओलिया, यूरोपीय नाम है। ओलियेसी इसकी फैमिली है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका तेल जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं जो हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और वो असंतृप्त वसीय अम्ल कौन से हैं? ओलिक एसिड। कौन से हैं? ओलिक एसिड नाम के असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। जैतून का जो प्रसारण है वो बीज से किया जाता है। कहाँ से करते हैं? बीज से करते हैं। और इसके जो फल है, फल से तेल निकलता है और तेल का उपयोग जैतून ऑयल के रूप में किया जाता है। इसकी पत्तियों का भी उपयोग किए जाने लग गया आजकल, इसकी पत्तियों से चाय भी बनाने लग गई। ये नया अनुसंधान कार्य भी राजस्थान में चालू हुआ है इस पर, और इसकी पत्तियों से चाय बनाकर भी पी जाने लगी है। ओलिव टी के नाम से आती है वो। और इस प्रकार से ओलिव प्लांट की ये चर्चा थी, मेडिसिनल प्लांट ओलिव, ओलिया यूरोपिया इसका नाम है। उस प्रकार का ट्री होता, देखो ये है ओलिव का प्लांट, और इस पर फ्रूटिंग होती है। जब वो फ्रूटिंग से जो तेल निकाला जाता है वो तेल उपयोगी होता है। अब हम बात करेंगे अगली फसल इसबगोल, जो हमारे पूरे इंडिया में इसबगोल उगाने में दूसरा नंबर हमारा, नंबर एक तो गुजरात का है, दूसरा नंबर हमारा है। और इसबगोल होती क्या है? इसबगोल एक बीज का बीजावरण है, बीजावरण बीज के ऊपर का बीजावरण है, बताएंगे आपको। वो बीजावरण इसका उपयोगी होता है और पेट की अचूक बीमारियों में काम आता है। इस प्रकार का होता है, देखो आप ये पीछे तो प्लांट उग रहा है, प्लांट है इसकी फ्रूटिंग है, और ये देखो इसकी ये जो पुष्पक्रम है ना इसका, इस पुष्पक्रम से बीजों को अलग करने के बाद बीजों के ऊपर होने वाला ये सफ़ेद सफ़ेद राम का बीजावरण है, इसको भूसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसबगोल की भूसी बोलते हैं इसको। और ये बीजावरण में एक्चुअल में क्या होता है, ये इसमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। ये जो है अगर इतना सा ले लें, कटोरी में रख दें तो पूरी कटोरी को पानी भर दोगे ना आप, तो पूरा पानी सोख जाती है, सोख लेती है पूरा पानी। इस प्रकार की इसकी नेचर होती है, और इसी कारण से इसकी इस नेचर के कारण से ही यह पेट की अचूक बीमारियों में रामबाण दवा का काम करती है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी का हमारे राजस्थान से, हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है और विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है इसबगोल से। तो इसबगोल की खेती के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इसबगोल इसका बोटनिकल नाम है प्लांटेगो ओवेटा। क्या नाम है? प्लांटेगो ओवेटा इसका बोटनिकल नाम है। और सीलियम भी कहते हैं इसको, कहीं लिखा होगा देखो आपको, यहाँ सीलियम बोलते हैं इसको, सीलियम हस्क इसके छिलके को बोलते हैं। प्लांटेगो ओवेटा इसका बोटनिकल नेम है और फैमिली है प्लांटिजिनेसी। क्या नाम है? प्लांटिजिनेसी इसकी फैमिली का नाम है, कुल का नाम है। सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा भूसी होती है गुजरात और राजस्थान में, मुख्य रूप से नंबर एक गुजरात, नंबर दो में राजस्थान। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जालौर, जोधपुर और सिरोही में होती है, जालौर, जोधपुर और सिरोही में होती है इसबगोल की खेती। रबी की फसल है। इसकी किस्में भी है RI-89 और GI-2। इसकी उपयोगी भाग कौन सा है? छिलका, बीजों के ऊपर पाया जाने वाला छिलका, बीजावरण, इसको सीड कोट भी कह सकते हैं। क्या काम आता है इसका उपयोगी भाग क्या है भैया? सीड कोट, बीजावरण, छिलका, भूसी भी कहते हैं इसको, सीलियम भी कहते हैं, सीलियम हस्क, इसी नाम से बाजार में डिब्बे पर लिखा होता है, सीलियम हस्क बोलते हैं इसको। इस फसल को सीलियम भी कहते हैं भैया, ध्यान रखें आप, कई बार पूछा गया है इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, सीलियम हस्क भी बोलते हैं। ये इसबगोल की भूसी है
और इसको घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है, इसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं। और पेट की सफाई की, अचूक कब्जी की, बवासीर की, पेट की सफाई की, पेट की बीमारियों की अचूक औषधि है। पतले दस्त हो जाए तो भी इसको काम में लेते हैं, ठंडे पानी में ले लो, और अगर कब्जी हो जाए तो गर्म पानी से ले लो, दोनों में फायदा करती है और भी पेट की समस्याओं को दूर करती है। इसबगोल की भूसी, इस प्रकार की भूसी है ये, और ये इस प्रकार की पीछे फसल या प्लांट उगे हुए हैं। अब हम लेंगे अगली मेडिसिनल प्लांट गूगल, कोमीफोरा मुकल, गूगल, इस प्रकार का गूगल होता है ये। ये तो प्लांट है इसके, ये फ्रूट्स आ रहे हैं, परंतु ये जो है ये इसका उपयोगी भाग जो है वो इसके तने से, तने और शाखाओं से निकलने वाला गोंद इसका उपयोगी भाग है। गूगल में तने और शाखाओं पर चीरा लगाकर गोंद इकट्ठा किया जाता है, वो उपयोगी भाग है गूगल। कई प्रकार की धूप बत्तियों में, अगरबत्तियों में ये गूगल काम आती है, और भी इसका उपयोग पेट में भी इस दवाई के रूप में काम में, कृमिनाशक दवाई के रूप में भी काम में इसको गूगल को लिया जाता है। हैं, तो अपन देखते हैं गूगल की ओर, चर्चा करते हैं गूगल। गूगल कोमीफोरा मुकल इसका नाम है, बर्सीरेसी फैमिली का प्लांट है, और इसका उपयोगी भाग क्या है, तने व शाखाओं से जो गोंद निकलता है वो इसका उपयोगी भाग है। इसकी संख्या वर्तमान में, इन पौधों की संख्या कम होने के कारण, इसका संख्या कम होने के कारण इस गूगल को रेड डेटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डेटा बुक में क्या है, ऐसे संकटग्रस्त जातियों का विवरण होता है। संकटग्रस्त जाति, पेड़ पौधे जीव जंतु जिनकी हमारी पृथ्वी से संख्या कम होती जा रही है, लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी, उनका नाम रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। उसमें गूगल का नाम भी है रेड डेटा बुक में। इसका उपयोगी भाग हमने बात करी, तने और शाखाओं से जो गोंद निकलता है वही गूगल है और वही उपयोगी भाग है। बाजार में इसका उपयोग धूप बत्ती बनाने में काम में किया जाता है, और पेट में कृमिनाशक दवा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रवर्धन बीज से करते हैं, हालांकि कलम से भी किया जा सकता है गूगल का प्रवर्धन प्रसारण। तो इस प्रकार का एक गोंद का जैसा पदार्थ है ये गूगल, इसको गूगल बोलते हैं एक्चुअल में, क्या बोलते हैं, गूगल बोलते हैं। अब बात करेंगे हम तुलसी की। तुलसी को आप भली भांति जानते हैं, तुलसी का ये पौधा है, और तुलसी को बहुत भली भांति जानते हैं। बेसिल अंग्रेजी में कहते हैं, ओसिमम बेसिलिकम, ओसिमम स्पीसीज या ओसिमम बेसिलिकम इसका बोटनिकल नाम है, लेबिएटी इसकी फैमिली है। और भारतीय संस्कृति में तुलसी को एक पवित्र और धार्मिक पौधा माना गया है। हमारे यहाँ पर इसको, तुलसी को आंगन में उगाकर उसकी पूजा करना एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता है। तुलसी के पौधे को मदर प्लांट भी कहा गया है, मदर प्लांट भी कहा गया है। कोई पूछ ले क्वेश्चन, मदर प्लांट किसे कहते हैं, तुलसी को कहते हैं। इसका उपयोगी भाग क्या है, मुख्य रूप से पत्ते हैं, हालांकि इसके बीज भी उपयोगी भाग है, बीज और पत्ते इसके उपयोगी भाग हैं। और इसका जो प्रसारण करेंगे वो है 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से इसका बीज बोकर इसकी फसल ली जा सकती है, तुलसी की ओसिमम बेसिलिकम की। अब हम अगली फसल की बात करेंगे, गिलोय। अभी पिछले एक दो सालों में जब से हमारे देश में कोरोना का प्रकोप हुआ है तो गिलोय का बहुत यूज होने लगा है। गिलोय क्या होता है, एक बेल चलती है इसकी, इसकी बेल चलने वाला एक पौधा है, ये किसी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ता है और इसकी तने को, इसकी पत्तियों को, किसी भी भागों को इसको, इसका पीस कर इसका रस को दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण पौधा उपयोगी है, संपूर्ण पौधा, जड़ भी, तना भी, फल भी, पूरा पौधे को, तो इसकी रस को दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है गिलोय। बोटनिकल नाम है इसका टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया फैमिली इसकी है, मैनी स्पर्मेसी, कौन सी फैमिली है, मैनी स्पर्मेसी कुल है इसका, कुल या फैमिली है मैनी स्पर्मेसी।
इसकी जो पत्तियां होती है आपने देखी होगी, इसकी जो पान की पत्ती होती है वैसी की वैसी पत्ती होती है, पान का जो पत्ता होता है हार्ट शेप जो होती है, हार्ट शेप जो पत्ती होती है वो इसकी पत्ती होती है, हार्ट शेप या पान की पत्ती जैसी होती है। इसका जड़ भी, तना भी, फल भी और पूरा पौधा उपयोगी है। इसका क्या किस इसकी शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ाने में काम आता है, गठिया रोग, पीलिया रोग में काम में लिया जाता है। और वर्तमान में जो इसका हमारे देश में उपयोग हुआ है, पिछले कोरोना काल में इसका उपयोग हुआ है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत उपयोग हुआ है। घर घर में इसका रस को प्रयोग किया जा रहा है, इसको कूटकर, इसके तने को, जड़ों को कूटकर इसका रस का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रवर्धन कलम से करते हैं, इसका कोई भी तना शाखा काट लो और तो कहीं भी रोप दो, आसानी से लग जाता है और प्लांट लग जाता है। कटाई जब इसकी करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर का मोटा जो तना हो जाता है तब इसकी कटाई की जा सकती है। यह था गिलोय, और इस प्रकार से शाखाएं तोड़कर इसकी जो है बेची जा सकती है। अगली फसल है मुलेठी। मुलेठी आपने पान की दुकान पर यह नाम सुना होगा। कई बार पान की दुकान पर अपन जाते हैं और उसे कहते हैं यार खांसी वाला पान बना देना। कई बार हम गांव में भी थे छोटे जब से देखते हैं खांसी वाला पान बना देना, तो वो पान वाला क्या करता है, थोड़ा सा मुलेठी डाल देता है उसके अंदर, मुलेठी। और मुलेठी क्या होता है, ये जड़ जो होती है, जड़ की छाल होती है, एक्चुअल में जड़ होती है ना, जड़ उसकी छाल होती है, जड़ की छाल। और इसको ये मीठी होती है, बहुत मीठा स्वाद होता है इसका, इसको स्वीट रूट भी कहते हैं, इसको स्वीट रूट, मुलेठी को स्वीट रूट, लिक्वोरिस भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको, लिक्वोरिस या स्वीट रूट, मीठी जड़ें भी कहते हैं मुलेठी। ग्लाइराइजा ग्लेबरा इसका नाम है, ग्लाइराइजा ग्लेबरा इसका नाम है, और लेग्यूमिनेसी के उपकुल पेपिलियोनेसी का सदस्य है। जड़ें इसका उपयोगी भाग है, तना भी इसका उपयोगी भाग है, जड़ें ज्यादा उपयोगी भाग है। जड़ें इसकी मीठी होती है, इनको स्वीट रूट कहते हैं, लिक्वोरिस कहते हैं। पान की दुकान पर पान वाला इसकी पाउडर को पान में डालता है और खांसी के लिए बनाए गए पान में विशेष रूप से सर्दी खांसी जुकाम में इसका उपयोग होता है। और इसका प्रसारण जड़ों के द्वारा होता है, जड़ की कलमें काट काट कर रोपने से नए पौधे तैयार हो जाते हैं मुलेठी के, स्वीट रूट के, मीठी जड़ों वाली पौधा मुलेठी। और अब हम इसका इस प्रकार का ये प्लांट होता है, ये देखिए आप, तो इसकी जो तना है शाखाएं ये भी काम आती है और इसके नीचे जड़ें भी काम में ली जाती है। अब हम बात करेंगे एक प्लांट है काल मेघ। ये बहुत कड़वा, नीम से भी ज्यादा कड़वा इसका जो है इसकी स्वाद होता है, इसकी पत्तों का, इसकी ऊपर के भागों का। और काल मेघ बोलते हैं इसको, नाम ही काल मेघ, कड़वों का राजा है ये, कड़वों का राजा है, इतना कड़वा है, किंग ऑफ बिटर है ये, इतना भयानक काढ़ा है, किंग ऑफ बिटर। नीम ऑफ ग्राउंड, इसको भूमि नीम भी कहते हैं, भूई नीम भी कहते हैं इसको, कि नीम की तरह कड़वा होता है और छोटा होता है, तो इसलिए ये छोटा होने के कारण इसको भूमि नीम कहते हैं। नीम की तरह बड़ा नहीं होता है, बाकी नीचे रहता है और नीम की तरह कड़वा होता है, इसलिए इसको भूमि नीम, भूई नीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीम ऑफ ग्राउंड, भूई नीम, नीम की तरह कड़वा होता है इसलिए भूमि नीम या भूई नीम भी कहते हैं। इसकी जड़ों को छोड़कर इसके पूरे पौधे का उपयोग किया जाता है, इसकी जड़ों को छोड़कर इसके पूरे पौधे का उपयोग किया जाता है, और इससे बलवर्धक, पौष्टिक, ज्वर, कृमि, पेचिस, पीलिया, एनीमिया, पेट के आफरे आदि में इसकी दवाइयां बनाई जाती है। और काल मेघ का प्रसारण बीज से भी कर सकते हैं और कलम से भी कर सकते हैं। तो भूमि नीम है ये, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा इसका नाम है, काल मेघ ये कड़वों का राजा है, किंग ऑफ बिटर है, एकेंथेसी फैमिली का प्लांट है, और इस प्रकार का काल मेघ का ये पौधा होता है। अब हम बात करेंगे एक मेडिसिनल प्लांट और शतावरी, सत आवरी, सत सत यानी सो, सैकड़ों बीमारियों को हरने वाली नाम ही है सत आवरी, सैकड़ों बीमारियों को हरने वाली शतावरी,
एस्पेरागस रेसिमोसस इसका बोटनिकल नाम है और कुल है इसका लिलिएसी। क्या नाम है? लिलिएसी। सैकड़ों बीमारियों को हरण करने वाली शतावरी है। उपयोगी भाग है इसकी जड़ें, बलवर्धक टॉनिक के रूप में, भूख नहीं लगने वाले बीमारियों में और पाचन सुधारने वाले टॉनिक के रूप में, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के रूप में। देखो, पेट की भी हो गई, मानसिक तो हो गई, बलवर्धक भी हो गई है और भूख नहीं लगने की अवस्था में भी इस दवाइयों को लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं शतावरी। क्या कहते हैं? और इसका उपयोगी भाग क्या है? जड़े। क्या है? जड़े। शतावरी का उपयोगी भाग जड़े है भैया, एस्पेरागस रेसिमोसस। ये इस प्रकार की इसकी जड़े होती है और इनको काम में लिया जाता है, शतावरी की जड़ों को। अब हमारा भैया अश्वगंधा। अश्व क्या होता है? घोड़ा। अश्व क्या होता है? घोड़ा। गंधा गंध, घोड़े के जैसी गंध। इसके पत्तों में, इसकी जड़ों में, इसकी जड़ों को अगर मसलोगे आप तो जैसे घोड़े के पसीने में बदबू आती है, वैसी इसके बदबू आती है इसके जड़ों को रगड़ने पर। अश्वगंधा घोड़े की जैसी बदबू वाला, विथानिया सोमनी फेरा इसका नाम है। विथानिया सोमनी फेरा इसका नाम है। सोलेनेसी कुल का पादप है। इसको पॉइजन गूजबेरी भी कहते हैं। क्या नाम है भैया? पॉइजन गूजबेरी। क्या नाम है? पॉइजन गूजबेरी भी कहते हैं। इसको विंटर चेरी भी कहते हैं। और अश्वगंधा की जड़ें उपयोगी भाग होती है भैया, अश्वगंधा की जड़ें उपयोगी भाग होती है और इनकी जड़ों को जब मसलते हैं तो ऐसे बदबू आती है जैसे कोई घोड़े के पसीने की बदबू आती हो। घोड़े के शरीर से पसीनों की जो बदबू आती है उस प्रकार की जो है अश्वगंधा की जड़ों से बदबू आती है। और जड़ें एक इसका उपयोगी भाग है। शक्तिवर्धक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक एल्केलोइड पाया जाता है, उसका नाम है विथेनोइड। क्या नाम है? विथानिया से आ गया, विथेनोइड नाम का एल्केलोइड पाया जाता है अश्वगंधा में। 150 से 170 दिनों में इसकी पौधों की जड़ों को उखाड़कर, काटकर, छाया में सुखाकर इसका प्रयोग किया, जो उपयोग में लिया, सूखी जड़ों का उपयोग में लिया जाता है। 20 से 25 क्विंटल सूखी जड़ें इसकी उपज मिल जाती है। इस प्रकार से हमारी जो ये अश्वगंधा की खेती आपकी कंप्लीट होती है और इस प्रकार की इसकी जड़ें होती है। जड़ें इसकी उपयोगी भाग है। इनकी जड़ों में घोड़े के पसीने की जैसी स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा है। क्या नाम है? अश्वगंधा है। और इसमें एक एल्केलोइड प्रमुख है, इसका नाम है विथेनोइड। क्या नाम है? विथेनोइड नाम है इसका। और इसके साथ ही हमारी प्रमुख मेडिसिनल प्लांट फसलें और एरोमेटिक प्लांट भी इनको कह सकते हैं, ये कंप्लीट होती है। थैंक यू।